अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलिया पराठे ट्रायंगल शेप में, जो चीजी फ्लेवर में होंगे और बहुत मजेदार सी रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दें और मुझे अप्रिशिएट करना हरगिज ना भूलें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम आटा ले लेंगे, गेहूँ का 1 कप, 1 कप मैदा फ्लोर, थोड़ा सा धनिया ले लेंगे, 1 कप चिकन जिसे टिक्का मसाला डालकर मैंने पका लिया है, 1 कप मोज़रेला चीज ले लेंगे, थोड़ा सा नमक ले लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। तो अब हम इस आटे को मिला लेंगे और इसके साथ नमक शामिल कर लेंगे और 2 स्पून ऑयल डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे की तरह गूंद लेंगे और अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो सॉफ्ट साइज का डो तैयार कर लेंगे, थोड़े से पंच मार लेंगे, अच्छे से इसे गूंद लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे कवर करके हम रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस आटे की बोले बना लेंगे। तो 7 से 8 बोले हमारी इस आटे से तैयार हो जाएगी, यानी 7 से 8 पराठे बन जाएंगे हमारे। तो एक ही साइज के तमाम बोले बना लेंगे। तो अब हम इसे रोटी की तरह ही बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह ही, रोटी का साइज बना के हमें इसे बेल लेना है। तो यहाँ मेरी रोटी तैयार हो चुकी है, अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। तो यहाँ चिकन डाल देंगे, आप ज्यादा खाना चाहते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा डालें, कम चाहते हैं कम डालें। यहाँ चिकन डाल दिया है, अब इस पे मैं मोज़रेला चीज डाल दूंगी और इसे अच्छे से जिस तरह हमें फोल्ड करना उसी तरह से हम शेप बना लेंगे। मोज़रेला चीज डाल दिया है मैंने इसमें और अब धनिया डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा दबा कर थोड़ा थोड़ा सा इसमें एग लगा लेंगे और अच्छे से इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर भी थोड़ा सा एग डाल देंगे और एग लगा ला के हम यहाँ से भी इसे फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर से थोड़ा सा इसे दबा देंगे और थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इसे बेल लेंगे। ज़्यादा नहीं बेलना, बस थोड़ा सा कि ये अच्छे से इसके किनारे दब जाए। यहाँ एक पराठा रेडी हो चुका है, इसे कॉर्नर से मैंने थोड़ा थोड़ा बेल लिया है। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे और उसी तरह से बेल लेंगे जिस तरह रोटी को बेलते हैं। तो यहाँ मेरी रोटी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने चिकन डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा, अब इस पे चीज स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया स्प्रेड कर देंगे और फिर उसी तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा एग लगा के। चीज डालने से पराठे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त से पराठे तैयार होते हैं और अमूमन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ये टेस्ट। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर शेयर करें और मेरी इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। तो यहाँ मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है, इसे थोड़ा थोड़ा सा बेल कर। चलिए हमारा पराठा रेडी हो गया है और हम इसे थोड़ा थोड़ा सा एग लगा लेंगे। एग लगाने से बहुत ही अच्छा कलर आता है पराठों का। तो यहाँ एक तरफ से मैंने एग लगा लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसमें पराठे को डाल देंगे और 10-10 मिनट बाद हम इसे पराठे की साइड को चेंज कर लेंगे, फौरन नहीं पलटना। थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसे हिला देंगे ताकि कॉर्नर्स की तरफ से ये कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पलट दिया है मैंने पराठे को और थोड़ा सा एग लगा लेंगे इस पर भी ताकि दूसरी तरफ से भी कलर हो जाए इस पर अच्छा सा। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं और अब हम इसे पलट देते हैं। यहाँ से अच्छा कलर आ चुका है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इसका। तो एक तरफ से पराठा पक चुका है, थोड़ा थोड़ा सा दबाकर प्रेस कर लेंगे ताकि कच्चा ना रहे कहीं से।
तो यहाँ पराठा तैयार हो चुका है, तब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे पराठे भी हम ठीक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मेरे तमाम पराठे तैयार हैं, तो यहाँ हमारे पराठे सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें और मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कर दें। थैंक यू।